वकला बरादरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। वकला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक बोले, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए मौजूदा हुकूमत के जत्थों का जमा होना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। पीडीएम की सिर्फ और सिर्फ मलाइन कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, उनको स्कैंडलाइज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम की तरफ से और जितनी जमातों की तरफ से घेराव किया जा रहा है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इलाहाबाद बिल्कुल पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, और किसी भी तरह का कोई भी एक्ट किया गया तो बिल्कुल हम बाहर निकल कर इसका मुकाबला करेंगे। 144 के नफाज के दौरान एहतजाज करना तो धज्जियां उड़ाने के मुतादिफ होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज फिर इतने सालों के बाद वही गैर जमहूरी रवैया उनको दोहराया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे एहतजाज नहीं, ये एक हठधर्मी है। इस तरह मुल्क के अंदर बुरान है वो संगीन होगा। मुल्क में इंतखाबात नहीं होने देना चाहते, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस अमल को रोकने के जिम्मेदार है, उनको कटहरे में ना लाए। इस तरह की धमकियाँ देना आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन तो है ही है। दूसरा क्या ये बगावत के जिम्मे में नहीं आएगा, ये रियासत के मामले में मुदाखलत। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दफा 144 पूरे मुल्क में नाफिजल अमल है, मुझे उन अनासिर का नाम बताएं जो आपको इस्लामाबाद तक रास्ता क्लियर करके दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।